बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां वृंदावन में मथुरा गेट पुलिस चौकी के क्षेत्र के अंतर्गत हैजा अस्पताल के पास मीटर रीडर के द्वारा बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कुछ लोगों के द्वारा मीटर रीडर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में अपर अभियंता दीपक कुमार ने एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। पुलिस ने घायल मीटर रीडर का चिकित्सीय परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल मीटर रीडर अशोक कुमार के अनुसार, जब वो हैजा अस्पताल के पास मीटर रीडिंग करने के लिए गया था, वहां एक मकान में बिना विद्युत कनेक्शन के तार डालकर विद्युत चोरी की जा रही थी। जब उसने विद्युत चोरी के बारे में पूछताछ की और अपने अधिकारियों को सूचित किया तो मकान स्वामी और उसकी पत्नी और दो अन्य लोगों ने डंडे आदि से मारपीट कर दी, जिसके उसके सिर में काफी चोटें आई हैं। विराट 24 न्यूज के लिए मथुरा से विनीत कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? अशोक कुमार नाम। क्या घटना हुई आपके साथ अभी? ये मैं हैजा अस्पताल के पीछे बिल बना रहा था, वहाँ पर एक भूदेव नाम का एक आदमी है जो वहाँ पर चोरी चल रही है। मैं वहाँ पर बिल बना रहा था, मैंने बोला भैया आप ना मीटर क्यों नहीं लगवा रहे, चोरी से क्यों जला रहे हो। इतने देर में वो बिदक गए और उसकी महिला वगैरह सब आके मारपीट करने और इन्हें डंडा डंडा मार दिए। कितने लोग थे? करीब 3-4 लोग थे। अब आप थाने आए, आपने तहरी दे दी? तहरी दे दी।